हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट पासवर्ड वैलिडेशन इन जेक्यूरी। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हम अपने पासवर्ड को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस डेमो के तौर पे अगर मैं इनके अगर दिखाऊँ आपको, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास एक बॉक्स आ जाता है। ओके, और यहाँ पर देखिए एटलीस्ट वन लेटर, एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर और एटलीस्ट वन नंबर और करेक्टर मस्ट बी 8। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक मीन के लेटर मैंने इंसर्ट किया, ओके, और इस तरीके से अगर मैं 8 करेक्टर फिल करूँ यहाँ पर, तो देखें जैसे 8 होंगे तो 8, ओके, करेक्टर हमारे क्या हो गया, कलर ग्रीन हो गया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक कैपिटल लेटर इंटर करूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके, यहाँ पर कैपिटल लेटर, तो ये भी ग्रीन हो गया। ओके, एटलीस्ट वन नंबर, ओके, तो अगर मैं 2 प्रेस करूँ तो देखें ये जितने भी हमारी जो 4 वैलिडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिर्फ हमारा जो HTML CSS पार्ट को। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस कवर करेंगे हम अपना JS पार्ट। ओके, तो इस लेक्चर में हम ये सब बॉक्स और ये सब चीज़ें क्रिएट कर लेंगे। ओके, जो हमारा JS का पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो ये था डेमो। ओके, तो मैं आता हूँ एडिटर पे अपने। ओके, और ये जितना कोड है बल्कि इसको यहीं पर रहने देता हूँ मैं, ठीक है, क्लोज़ कर दूँ इसको मैं, और यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ YouTube के नेम से। ओके, YouTube के नेम से, ठीक है, और यहाँ पर गाइस एक हम फाइल लेते हैं index.html, और यहाँ पर फिर एक स्टाइल का फाइल लेंगे style.css। ओके, तो हमने दो फाइल हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, और ओके, जो jQuery का जो फाइल है वो भी हम अभी एडअप कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट, ठीक है, तो ये जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और ये है हमारे पास, ओके, एक और फाइल हम लेंगे info.js, जो कि हमारा एक्सटर्नल फाइल शीट होगा js का। ओके, तो मैंने ये भी क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर अब हमने करना है जो हमारे जो स्ट्रक्चर HTML का वो क्रिएट करते हैं। ओके, तो HTML का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मैं स्टाइल पर अडप करूँगा style.css। ओके, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट और src सोर्स, सोर्स एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर जो jQuery का जो हमारा जो फाइल है उसका कॉपी नेम, और यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट जो है वो गाइस हमने एक्सटर्नल फाइल शीट को एडअप करना है, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट src सोर्स, सोर्स info.js, ओके, सेव, और यहाँ पर अब इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब मैंने बूटस्ट्रैप का सीडन लिंक यूज़ करना है गाइस, ठीक है, तो फॉर बूटस्ट्रैप, ओके, CDN लिंक, ओके, CDN लिंक, और यहाँ पर जो CDN लिंक होगा वो है B4 CDN, ठीक है। तो गैस ये मैं एक पैकेज यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम का, तो जो कि मैंने अपने सबलाइम सीरीज में बताया हुआ, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर सबलाइम सीरीज में इनके 15 लेक्चर्स के, ठीक है, तो मैंने सारे जितने भी मीन के जो पैकेजेस है, बेस्ट पैकेज जो सबलाइम के, मैंने यहाँ पर डिटेल से बताए हुए हैं। ओके, तो मैं अब आता हूँ अपने एडिटर पे। ओके, तो यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक टिप लेता हूँ। सबसे पहले जो BGC कलर है गाइस, वो मैं कहता हूँ डार्क, के बॉडी का जो BGC कलर वो क्या हो, डार्क हो। ओके, डार्क, और यहाँ पर H1 लूँगा, और यहाँ पर jQuery, ओके, और यहाँ सिर्फ सिंपल यहाँ पर ले देते हैं पासवर्ड वैलिडेशन, पासवर्ड इन jQuery, ठीक है, तो सेव, और इसको हम देते हैं क्लास टेक्स्ट जो हो सेंटर में हो, टेक्स्ट जो हो वार्निंग हो, ओके, और पैडिंग हम दे देते हैं 4, ओके, सेव। तो अगर मैं इसको ओपन करूं ब्राउज़र में, तो अब आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। आप नीचे आता हूं यहां पर, और यहाँ पर अब फॉर्म का पोर्शन स्टार्ट होगा, फॉर्म पोर्शन, ओके, ओके, यहाँ पर एक करूँगा मैं डिव और क्लास कंटेनर, ओके, और यहाँ पर नीचे आता हूँ
और एक यहाँ पर गाइस एक मैं फॉर्म लूँगा। ओके तो यहाँ पर एक डिव क्लास फॉर्म ग्रुप ओके, और यहाँ पर एक लेबल लूँगा ओके, तो यहाँ पर आएगा ईमेल आपका ओके। और नीचे आता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ टेक्स्ट और इंटर यूअर नेम ओके ओके, इंटर यूअर ईमेल ओके। यहाँ पर क्लास सेटअप करूँगा बूटस्ट्रैप की, फॉर्म कंट्रोल ओके, गलत लिख रहे हैं हम, फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल लार्ज ओके सेव। तो अगर मैं रिफ्रेश करूं यहां पर, तो अब आपको इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा आपका फील्ड ठीक है, इनपुट फील्ड। तो ये टेक्स्ट जो है अभी के लिए आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक, तो हम इसको देते हैं क्लास टेक्स्ट जो हो वो वार्निंग ओके सेव। तो अब स्टाइल में आता हूँ और लेबल का जो फॉन्ट साइज़ है वो उसको हम इनक्रीज़ करते हैं, लेबल ओके फॉन्ट साइज़ जो है वो हो जाए 18 पिक्सल ओके सेव। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो अब आपको दिखाई देगा 18 पिक्सल ओके। तो अगर मैं इसको कर दूँ 20 ओके 20 सेव, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, अब ठीक है। तो ईमेल का जो काम था हमने कंप्लीट किया, अब हम आते हैं नीचे, इसी डिव को सारे को कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ ओके। तो ये है हमारे पास पासवर्ड ओके ओके, यहाँ पर आएगा पासवर्ड ओके। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, इंटर यूअर पासवर्ड ओके। तो पासवर्ड हमने टाइप करना है यहाँ पर ओके ओके, सारा काम कंप्लीट हुआ। अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो ईमेल और इंटर यूअर पासवर्ड ओके। तो हम आप बटन क्रिएट करेंगे नीचे, थोड़ा सा ब्रेक एडअप करूँगा और यहाँ पर एक लूँगा इनपुट फील्ड सबमिट ओके। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू देंगे, तो वैल्यू गाइस क्या होगा हमारा यहाँ पर, सबमिट फॉर्म ओके। यहाँ पर हम क्लास सेटअप करेंगे बूटस्ट्रैप की, btn ओके btn आउटलाइन वन ओके सेव, और btn होगा हमारा लार्ज ठीक है, मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो हमने इसको देना है लार्ज ठीक है। तो अब बटन भी हमारा क्रिएट हो चुका है ओके। तो गाइस इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया ओके। तो अब हम आते हैं जो आपको बॉक्स शो हो रहा था नीचे ठीक है, वो हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ पासवर्ड वैलिडेशन बॉक्स ओके। तो अब नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक टिप लेता हूँ, उसको एक हम आईडी देते हैं, आईडी हम देते हैं पास अंडरस्कोर इन्फो के नेम से ओके। तो यहाँ पर अब मैं लेता हूँ एक H1 H6 ले लेते हैं हम, हेडिंग है हमारे पास ठीक है। तो हमने क्या हेडिंग दिया था यहाँ पर हम देख लेते हैं, पासवर्ड मस्ट बी मीट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड मस्ट बी ओके, दोबारा देखते हैं मस्ट बी मीट ठीक है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ, नीचे आता हूँ यूएल लेता हूँ ओके। और यहाँ पर यूएल, और यूएल के अंदर गाइस क्या है हमारे पास, एल आई को मैं कॉपी करता हूँ 4 times ओके। और यहाँ पर जो है हम अब लिखेंगे at least 1 letter ओके, at least 1 letter ओके, at least 1 capital letter ओके, at least 1 capital ओके लेटर ओके। तो ये हमारे पास सिंगल आएगा, और उसके बाद यहाँ पर at least 1 number जो भी गाइस आप अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, at least 1 number ओके। तो अब यहाँ पर आएगा at least ओके, यहाँ पर at least मस्ट बी 8 करेक्टर
ओके, मेन के कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ओके यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो लिखी वो राइट यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके तो हमारे तरह काम कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसको स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए हम आते हैं अब अपने स्टाइल पार्ट में। मैं कॉल करूँगा पास अंडरस्कोर इन्फो, जो मेरा आईडी था उसको मैंने दिया था। तो अब ये इस डिव को मैंने कॉल किया, मीन कि ये जो डिव लिया था नीचे वाला इसको मैंने कॉल किया। अब इसको मैंने स्टाइल करना है, ठीक है। तो गाइस BGC कलर जो है मैं चेंज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करता हूँ और BGC कलर जो होगा वो हम थोड़ा सा ओके, ये हमने कलर चूज़ किया। ओके यहाँ पर सेमी कॉलन सेव, और इसके बाद गाइस यहाँ पर हम कलर जो होगा टेक्स्ट का वो देखेंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करता हूँ और यहाँ से हम एक कलर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो अब आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। ओके तो गाइस इसका हम जो विड्थ है वो सेट करते हैं, विड्थ हम कर देते हैं कि 420 पिक्सल हो। ओके सेव, अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें। ओके तो गाइस इसका जो विड्थ है वो हमारा 420 हो गया है। ओके तो अब हम थोड़ा सा इसका जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ करते हैं, हाइट मैं कहता हूँ 200 पिक्सल हो जाए। ओके अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ओके और पैडिंग जो है वो हम 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके रिफ़्रेश करता हूँ तो पैडिंग भी आ गया और डिव का जो बॉर्डर रेडियस है वो हम 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके रिफ़्रेश करता हूँ, ओके ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि लेफ़्ट से ये मूव कर जाए 200 पिक्सल या 120 पिक्सल। ओके चेक करते हैं ये कहाँ पे जाएगा। ओके तो ये लेफ़्ट पोजीशन हमने इसको नहीं दिया, तो हम पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो ही ये जो है प्रॉपर्टी आपकी वर्क करेगी। ओके तो अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ओके तो ये आज सही 10 कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके 30 सेव, 10 मैंने और इंक्रीज़ की और रिफ़्रेश करता हूँ अब, ठीक है। ओके और टॉप से हम इसको कर देते हैं 200 पिक्सल, ओके 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अगर चेक करूँ तो ये कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसको हम कर देते हैं 290, ओके अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो अब ये यहाँ पर सेट हो गया। ओके तो यहाँ पर बिल्कुल सेटिंग बिल्कुल ठीक है इसकी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा मैं नीचे करूँ यहाँ पर 295 कर देते हैं हम इसको, ठीक है 295, ठीक है सेव, ठीक है। तो अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो अब आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। ओके थोड़ा सा लेफ्ट पे लेके जाते हैं इसको, 127 करते हैं सेव, और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल गाइस एक्यूरेसी के साथ हमने इसको मेन के सेट कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ पास इन्फो के अंदर गाइस, एक हमारे पास है UL, ठीक है, और UL को हमने करना है लिस्ट स्टाइल टैब नन। ओके ओके नन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो डॉट दिखाई देंगे आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये नन हो गया, ओके और यहाँ पर गाइस एक हम इनवैलिड की क्लास क्रिएट करेंगे, इनवैलिड ओके इनवैलिड, ओके तो इनवैलिड यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं कलर देता हूँ रेड। ओके हम चूज़ करते हैं, कंट्रोल से सी प्रेस करता हूँ, ठीक है तो रेड, ओके और इस तरीके से एक मैं क्लास और लेता हूँ वैलिड की, ओके वो कलर जो होगा हमारे पास वो होगा ग्रीन, तो हम यहाँ से ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया, ओके सेव। तो यहाँ पर गाइस एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पर एक क्लास एडअप करना है, ओके तो क्लास जो होगा इनवैलिड, ओके और यहाँ पर एक आईडी देता हूँ मैं, ठीक है ओके सेव। और यहाँ पर हम देते हैं इसको लेटर, ओके और यहाँ पर हम देते हैं कैपिटल लेटर, और यहाँ पर हम देते हैं नंबर, ओके यहाँ पर हम देते हैं करैक्टर, ओके
इन सबको हमने आईडी भी दे दी और इनवैलिड क्लास भी दे दी। ओके, तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो आपको ये सब रेड दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस तरीके से। और इनको हम अगर इसका फॉन्ट वेट जो है हम कर दें फॉन्ट वेट बोल्ड सेव, रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो अब आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ओके, तो हमने ये क्रिएट कर लिया है। और एक चीज़ और गाइस, हम इसको बोल्ड नहीं करते, ठीक है। और एक चीज़ ये कि अगर मैं हैश पास इन्फो अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है, यहाँ पर अगर इसको मैं डिस्प्ले नन करवा दूँ तो अब आपको ये शो नहीं होगा। ओके, इस तरीके से हाइड हो चुका है। ओके, तो अगर मैं इसको नन ख़त्म कर दूँ और फिर ये आपको शो होगा। ओके गाइज, हमने ये सारा पार्ट जो है एचटीएमएल का सीरीज का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम जेएस का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।